मनोज कहाँ से आए हैं? उड़ीसा। कितने बजे आ गए थे? 2 बजे। कितना एक्साइटमेंट है आज के दिन को लेकर? बहुत एक्साइटेड है, आप देख सकते हैं बहुत लोग हैं, तो मैं भी उनमें से एक हूँ। आपने तमाम टैटू जो है वो बनवा रखे हैं, विराट का हम सामने की तरफ देख रहे हैं, पिछली तरफ हम पूरी टीम इंडिया का जिक्र देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इतनी बड़ी दीवानगी टीम इंडिया के लिए? पैशन है सर, क्रिकेट लाइफ है, क्रिकेट तो रिलीजन है इंडिया में, आप जानते हैं, तो मैं उतना और कुछ नहीं कह सकता उसका नीचे। तो जब ये मूवमेंट आया T20 जब भारत का डंका वर्ल्ड में बजा फिर से बारबाडोस में, कैसा मूवमेंट था वो आपके लिए? इमोशनल मोमेंट था और बहुत खुशी का माहौल था। इट वॉज रियली अमेजिंग टू सी इंडिया लिफ्टिंग द ट्रॉफी, स्पेशली राहुल द्रविड़, रोहित शर्मा, जडेजा एंड विराट कोहली। लास्ट फेयरवेल में उनको कप मिल गया, वो उससे बड़ी खुशी की बात को कुछ नहीं हो सकता। अभी का मोमेंट कैसा होगा जब झलक आप देखेंगे उस टीम इंडिया की जिसके लिए आप इतने बड़े दीवान की हद तक हैं, क्या कहेंगे? एक्साइटमेंट तो बहुत है, क्या बोल सकता हूँ, और ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता, इमोशंस रनिंग अराउंड, होप वी कैन मीट हिम। और आगे के लिए कैसा देख रहे हैं फ्यूचर, जो फ्यूचरिस्टिक मैच होने वाले हैं उनको लेकर क्या मन में उम्मीद है एक फैन के प्रति, अगर फैन के जरिए फ्यूचर अच्छा है इंडिया का, आगे जाके और अच्छा मुकाम हासिल करेगा इंडिया। मनोज कहाँ से आए हैं? उड़ीसा। कितने बजे आ गए थे? 2 बजे। कितना एक्साइटमेंट है आज के दिन को लेकर? बहुत एक्साइटेड है, आप देख सकते हैं बहुत लोग हैं, तो मैं भी उनमें से एक हूँ। आपने तमाम टैटू जो है वो बनवा रखे हैं, विराट का हम सामने की तरफ देख रहे हैं, पिछली तरफ हम पूरी टीम इंडिया का जिक्र देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इतनी बड़ी दीवानगी टीम इंडिया के लिए? पैशन है सर, क्रिकेट लाइफ है, क्रिकेट तो रिलीजन है इंडिया में, आप जानते हैं, तो मैं उतना और कुछ नहीं कह सकता उसका नीचे। तो जब ये मूवमेंट आया T20 जब भारत का डंका वर्ल्ड में बजा फिर से बारबाडोस में, कैसा मूवमेंट था वो आपके लिए? इमोशनल मोमेंट था और बहुत खुशी का माहौल था। इट वॉज रियली अमेजिंग टू सी इंडिया लिफ्टिंग द ट्रॉफी, स्पेशली राहुल द्रविड़, रोहित शर्मा, जडेजा एंड विराट कोहली। लास्ट फेयरवेल में उनको कप मिल गया, वो उससे बड़ी खुशी की बात को कुछ नहीं हो सकता। अभी का मोमेंट कैसा होगा जब झलक आप देखेंगे उस टीम इंडिया की जिसके लिए आप इतने बड़े दीवान की हद तक हैं, क्या कहेंगे? एक्साइटमेंट तो बहुत है, क्या बोल सकता हूँ, और ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता, इमोशंस रनिंग अराउंड, होप वी कैन मीट हिम। और आगे के लिए कैसा देख रहे हैं फ्यूचर, जो फ्यूचरिस्टिक मैच होने वाले हैं उनको लेकर क्या मन में उम्मीद है एक फैन के प्रति, अगर फैन के जरिए? फ्यूचर अच्छा है इंडिया का, आगे जाके और अच्छा मुकाम हासिल करेगा इंडिया।